जय। हरे के सहारे की जय। कलयुग के अवतार की जय। बोलिए घोड़े वाले की जय। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कप्तांग नगर पंचायत में। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसी बीच में भक्तिमय का भी माहौल देखने को मिला है। श्री श्याम खाटू श्याम जी का महोत्सव मंगल की बाजार में प्रत्येक वर्ष लगाई जाती है और इस वर्ष भी खाटू श्याम महोत्सव का ऑर्गेनाइज हुआ है, यानी कि आयोजन हुआ है। तमाम लोग उपस्थित हैं, हम मिलेंगे, बात करेंगे। खाटू श्याम महोत्सव के अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़ेंगे और जाने की जानकारी लेंगे कि कब से ये श्याम महोत्सव मनाया जा रहा है और इसके माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। अध्यक्ष जी, 11वां वर्ष है श्री श्याम महोत्सव का। क्या नाम होगा सर आपका? कन्हैया खेतान जी। श्री श्याम सेवा मंडल अध्यक्ष हूँ मैं और हमारे साथ हमारी श्री श्याम सेवा समिति की सारे मेंबर लगे हुए हैं पिछले 11 वर्षों से और सफल आयोजन 11वां वर्ष इस बार भी बाबा श्याम का दरबार यहाँ सज रहा है और शाम को भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले निशान यात्रा सम्पन्न हुई है जो नगर में भ्रमण करके वापस कार्यक्रम स्थल पर समाप्त हुई है। कहाँ से कार्यक्रम में कहाँ कहाँ के लोग आने वाले हैं? कार्यक्रम में आज अंश और वंश हरियाणा से, फतेहाबाद हरियाणा से आ रहे हैं, संदीप दीक्षित जी आ रहे हैं कानपुर से और रितेश इंटरनेशनल ग्रुप झांकी है हमारी कानपुर से। ये कब से शुरुआत हुई है सर महोत्सव का? महोत्सव की शुरुआत कल से हुई थी, कल श्याम बाबा का पाठ का आयोजन किया गया। वर्ष से 2012 में पहला वर्ष बाबा का श्याम कीर्तन का आयोजन यहाँ मंगल बाजार से शुरू किया गया था। धीरे धीरे आयोजन भव्य होते जा रहा है बाबा की कृपा से। सर कितने लोग जुड़ रहे हैं? बाबा के आशीर्वाद से इस प्रांगण में कम से कम 3,000 से 4,000 की भीड़ होगी जी। सर कप्तानगंज की जनता से क्या कहना चाहेंगे? कप्तानगंज की जनता के अंदर बहुत उत्साह है जी। और पहले कुछ कम लोग थे, आज गण गण में बाबा विराजे हुए हैं जी। यानी कि खाटू श्याम को लोग याद कर रहे हैं जी जी। ये कौन सा मंदिर है? माता कोटकी माता जी का मंदिर, माता रानी के दरबार प्रांगण में, माता रानी के प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है। बाबा का भव्य दरबार सजा हुआ है, शाम 6 बजे से बाबा का गुणगान रात्रि मतलब प्रभु इच्छा तक होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पूरा भक्तिमय का माहौल देखने को मिला है और खाटू श्याम महोत्सव के जो भी लोग पदाधिकारी हैं, जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और अभी ये रथ क्या निकला था? हाँ, निशान यात्रा भी निकला था, पूरे नगर में भ्रमण किया गया है और खाटू श्याम जी के बारे में बताया गया है। और शाम को यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जो दूर से कलाकार आएंगे और खाटू श्याम जी के अपने कला के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे और लोगों के बीच में एक संदेश देंगे, खाटू श्याम बाबा के प्रति भावना भक्ति को उजागर करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे खाटू श्याम जी के लिए? ये कलयुग के देव हैं, इनको कृष्ण जी द्वारा वरदान मिला था कि जो भी इनके शरण में हार के जाएगा ये उसका साथ देंगे। जो भी सच्चे मन से इनके दरबार में जाता है कभी भी निराश और खाली हाथ नहीं लौटा है। ये हारे के सहारे। यहाँ कब तक कार्यक्रम चलेगा? ये करीब रात को 4 मतलब भोर में 4 बजे प्रत्येक वर्ष चलता है, आगे कितना वर्ष चलेगा? आगे बाबा की जब तक इच्छा होगी तब तक चलता रहेगा ये कार्यक्रम। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हारे के सहारे हैं, ये हर भक्तों को जिताते हैं, इसीलिए इनका दिन प्रतिदिन जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। हर घर में बाबा का नाम का जयकारा गूंजता जा रहा है, तभी तो हमारे यहाँ प्रतिवर्ष उत्सव का माहौल हर प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और हम लोग को क्या कहना रहता है, इनका चमत्कार इतना है कि लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इसीलिए इनकी शरण में रोज इतनी भीड़ हो रही है, इतनी व्यवस्था हो रही है, ये सब प्रभु इच्छा है। बाबा चाहेंगे तो बहुत जल्दी यहाँ मंदिर भी बनेगा बाबा का, बहुत प्यारा। अच्छा, बाबा चाहेंगे तो यहाँ मंदिर भी बनेगा, खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही जल्द यानी कि कप्तानगंज नगर पंचायत में होने वाला। क्या कहना चाहेंगी आप? सबको बहुत एक्साइटमेंट, सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बाबा सबकी मनोकामना खुद पूरी करते हैं, बिन मांगे ही मिलता है। और इसीलिए श्याम महोत्सव का एक महोत्सव बीतता नहीं है तब तक दूसरे महोत्सव का इंतजार रहता है, तैयारी स्टार्ट हो जाती है। क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमें भी इंतजार रहता है सब साल भर में सब। तो सभी को इंतजार रहता है श्याम महोत्सव का, श्याम महोत्सव का सभी लोग नगर की जनता इंतजार करती है क्योंकि श्याम महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जहाँ कलाकारों के द्वारा भक्तिमय का माहौल देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा पंडाल सजा धजा है और सजाया जा रहा है। शाम को कार्यक्रम सर कितने बजे स्टार्ट होगी? शाम 6 बजे से जी। कब तक चलेगा सर कार्यक्रम? प्रभु इच्छा तक 2 बजे 3 बजे 1 बजे 2 बजे जब भी प्रभु की इच्छा। क्या कहना चाहेंगे सर आज आप?
बस हम यही कहना चाहेंगे कि प्रभु के गुणगान में शाम को कप्तानगंज नगर के जितनी श्याम प्रेमी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और प्रभु के गुणगान का प्रसाद और आनंद प्राप्त करें। कोई मुख्य अतिथि? मुख्य अतिथि सारे श्याम, खाटू श्याम जी खुद हैं, बाबा श्याम हमारे खुद मुख्य अतिथि हैं। अब मैं बता दूं, पूछने का मेरा मतलब था कि बड़े बड़े नेता पदाधिकारी मुख्य अतिथि रहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये खाटू श्याम महोत्सव है और खाटू श्याम महोत्सव ही मुख्य अतिथि है और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे खाटू श्याम? बड़ी सरकार कोई है? देखिए, ये श्री श्याम महोत्सव कप्तानगंज में 2012 से प्रारंभ हुआ है और प्रभु इच्छा तक चलती रहेगी। कप्तानगंज में ये महोत्सव अलग प्रकार का लोगों के अंदर प्रेरणा दिया है। इस महोत्सव में कप्तानगंज में अन्य भी जैसे दुर्गा पूजा है और भी छठ मैया जो भी हैं जितने कार्यक्रम होते हैं उससे भिन्न है। ये प्रोग्राम में शांति सद्भाव और गाना बजाना भी एक मीठे स्वर में, इससे काफ़ी लोगों का जो है जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। क्या संदेश देती है सर नगर में ये खाटू श्याम महोत्सव? खाटू श्याम महोत्सव से ये संदेश जाता है कि हम आपस में मधुरता और भाईचारे के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और दिन पर दिन इसकी जो है विख्याति बढ़ती रहे। धन्यवाद सर। तो हम बता दें दर्शकों से कि शाम को आप बेसब्री से इंतजार कीजिएगा, श्याम महोत्सव शुरू होने वाला है, रात्रि 2 बजे तक चलेगा। इसमें दूर दूर से कलाकार आएंगे जो खाटू श्याम जी के लिए अपने भक्तिमय कला प्रस्तुत करेंगे और आपको मंदमुग्ध कर देंगे। तो देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज, बने रहें, धन्यवाद।